फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में असं स्विक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे जी, जो कि एसएसटी मास्टर ग्रेड एग्जाम आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तुम जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भुल्यो, तो बैल आइकन भी जरूर दबा दियो, ताकि तुम्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का मिलता रहे। ठीक है जी, तो आप शुरू करते हैं जी। पहला जरा क्वेश्चन है वह है, भारत के पहले कानून और न्याय के मंत्री कौन सन? तो भारत के पहले जो कानून यानी लॉ या जस्टिस के मंत्री कौन सन? तो पहला ऑप्शन है जी हंसराज खन्ना, बी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है अशोक कुमार सेन। तो कौन सन जी भारत के पहले कानून के न्याय मंत्री? तो राइट आंसर है जी सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कदों हुई सी? तो भारतीय जनता पार्टी जी है जी बीजेपी, इसकी स्थापना कदों हुई सी? तो पहला ऑप्शन है जी 15 अप्रैल 1950, बी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1980। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कदों हुई सी जी? तो वह हुई सी 6 अप्रैल 1980, यानी कि बी ऑप्शन जोड़ा है वह सही आंसर है जी 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित विचों कौन गांधी जी नाल जुड़िया सी? तो जो नमक सत्याग्रह होया सी जी, तो इन्हां विचों सी दसना है ऑप्शन विचों भी कौन सी जिहड़ा गांधी जी नाल जुड़िया सी नमक सत्याग्रह के दौरान। तो पहला ऑप्शन है जी ए ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सी जी जो महात्मा गांधी नाल जुड़िया सी? तो वह सी जी राइट आंसर है बी ऑप्शन सरोजनी नायडू। ठीक है जी, सरोजनी नायडू जड़ी सी वह गांधी जी नाल नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन सी? तो भारत की स्वतंत्रता समय गवर्नर जनरल कौन सी? तो ए ऑप्शन है जी सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है मुरारजी देसाई, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सी जी भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल? तो राइट आंसर है जी डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी, भारतीय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आम आदमी पार्टी की स्थापना कदों हुई सी? तो जी आम आदमी पार्टी है जी उसकी स्थापना कदों हुई सी? तो ए ऑप्शन है जी 16 अक्टूबर 2013, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 2012, सी ऑप्शन है 15 दिसंबर 2012, डी ऑप्शन है 15 नवंबर 2013। तो कदों हुई सी जी आम आदमी पार्टी की स्थापना? तो राइट आंसर होगा जी बी ऑप्शन 26 नवंबर 2012 नू। ठीक है जी, 26 नवंबर 2012 नू आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले निर्देशक कौन सन? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले निर्देशक जोड़े सन जो कौन सन? तो ए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है दीवाना चमन लाल। तो कौन सन जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले निर्देशक जिसनों अध्यक्ष भी कहते हैं? तो वह सन जी बी ऑप्शन लाला लाजपत राय। ठीक है जी, बी ऑप्शन सही आंसर है जी लाला लाजपत राय जो सन वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले निर्देशक सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्देशक कौन सी? तो कौन सी जी पहला अध्यक्ष निर्देशक कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ए ऑप्शन है जी डबल्यू सी बैनर्जी, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो कौन सी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्देशक? तो वह सी जी डबल्यू सी बैनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है जी डबल्यू सी बैनर्जी। ठीक है जी, डबल्यू सी बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्देशक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्हां विचों किस घटना नूं राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म मनिया जाता है? तो किहड़ी घटना नूं मनिया जाता है जी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म? तो ए ऑप्शन है जी पुनर्जागरण, बी ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति,
सी ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति, डी ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन। तो किसनों मनाया जाता है जी राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म, किस घटना नू? तो राइट आंसर है जी ए ऑप्शन पुनर्जागरण नू। ठीक है जी, पुनर्जागरण नू राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्हां विचों किसनों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ऑप्शन दिते हुए हैं जी, इस विचों दसना है कि इस किसनों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन है दादा भाई नरोजी, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो किसनों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है जी? तो राइट आंसर है जी ए ऑप्शन दादा भाई नरोजी। ठीक है जी, दादा भाई नरोजी नू भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित विचों केड़े साल मानव अधिकारा दा घोषणा पत्र स्वीकार किया सी? तो संयुक्त राष्ट्र ने केड़े साल किया सी जी मानव अधिकारा की घोषणा का घोषणा पत्र का स्वीकार कर लिया सी, कदों किया सी? तो ए ऑप्शन है जी 1956, बी ऑप्शन है 1856, सी ऑप्शन है 1958, डी ऑप्शन है 1948। तो कदों किया सी जी संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारा का घोषणा पत्र स्वीकार? तो राइट आंसर है जी डी ऑप्शन। ठीक है जी 1948। ठीक है जी 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारा का जो घोषणा पत्र से उसनों स्वीकार किया। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन, तो यह SST मास्टर ग्रेड एग्जाम आ सकते हैं, इन्होंने जरूर कर लियो, तो मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर दियो। जेकर तुम्हें कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश कराँगा, दस की कोशिश कराँगा। ठीक है जी, तो आप मिलते हैं जी कुछ होर वीडियोज़ अगली वीडियोज़ तो उद तक लिए थैंक यू।